आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज का टॉपिक है कैसे हम किसी भी क्रेडिट कार्ड से हम बैंक के अंदर पैसा कैसे ट्रांसफर करें। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पाते हैं अपने डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से, आपको बैलेंस किसी अकाउंट पर ट्रांसफर करना होता है तो नहीं कर पाते। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जो है अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरा स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। मैं मोहन ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बराबर में बेल आइकन देकर उसे भी क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपके लिए लाता रहूं। तो फ्रेंड चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन पर, आपको बताता हूं कैसे आप नॉर्मली अपने क्रेडिट कार्ड से किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी फोन स्क्रीन। तो फ्रेंड आ चुके हैं अपनी फोन स्क्रीन पे, आपको बता देता हूं कैसे आपको बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है। तो पहले फ्रेंड क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है क्रेड ऐप का, क्रेड ऐप का लिंक दे रखा है नीचे, जाके आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये क्रेड ऐप है, आप देख सकते हैं इस प्रकार की ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगी, नहीं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे लिखा है ऐप डाउनलोड लिंक, उस पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद डायरेक्ट फ्रेंड इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। करने के बाद फ्रेंड आपके सामने मांगेगा इस प्रकार का लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, वो आपको डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आने के बाद सबसे नीचे आपको मेन्यू का ऑप्शन नजर आ जाएगा फ्रेंड, मोर का ऑप्शन नजर आएगा। मोर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो आपको सारे बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएंगे। देख सकते हैं सारे के सारे बेनिफिट यहाँ पर दे रखे हैं। नॉर्मली यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना है, बैंक अकाउंट, और नॉर्मली यहाँ पे जो है सिविल भी बताता है, ठीक है। रिवर्ड अस्तर मिलता है, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो इस ऐप के अंदर आप लॉगिंग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली इस प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड। क्रेडिट कार्ड बिल पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, सारा का सारा यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपको कोई भी एक यहाँ से चॉइस कर लेना है, जैसे कि हम चॉइस कर लेते हैं फ्रेंड यहाँ पे हाउस रेंट। जैसे कि फ्रेंड हमने हाउस रेंट यहाँ पे चॉइस किया, चॉइस करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐड कर रखे हैं। देख सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से हमने यहाँ पे पेमेंट कर रखी है बहुत लोगों को, ठीक है फ्रेंड। नीचे भी आप शो कर रहा है, देख सकते हैं हमने पेमेंट जो है इस अकाउंट में भी कर रखी है, इस अकाउंट में भी कर रखी है, इस अकाउंट में भी कर रखी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपका इसके अंदर अकाउंट आपको ऐड करना है। तो आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है फ्रेंड, न्यू पेमेंट, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, पेमेंट किस तरीके के करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी को हाउस रेंट पे करना चाहते हैं, या मेडिकल है, या सारी की सारे यहाँ पे ऑफिस रेंट है, सारी चीज़ दे रखी है फ्रेंड। इसमें से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं फ्रेंड, अपने अकाउंट में नहीं ले सकते, अपनी फैमिली के किसी के अकाउंट में भी आप पैसा ले सकते हैं, जैसे कि अपने मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, या अपनी वाइफ के अकाउंट में भी पैसा आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ओनली अपने अकाउंट में नहीं, अदर अकाउंट किसी भी की भी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वो अमाउंट डालना है जो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि मैंने मैक्सिमम यहाँ पे 11,000 डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, इधर देख लीजिए एक बटन नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे उनका नाम डालना है जिसके पास आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड। हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है फ्रेंड। नाम डालने के बाद ध्यान रखना है, नाम डालना है, सेकंड में नाम डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे डालना है उसका अकाउंट नंबर, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे डालना है अकाउंट नंबर, अगेन अकाउंट नंबर, और नीचे आईएफएससी कोड। जैसे आईएफएससी कोड डालेंगे तो ये अकाउंट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ फिर क्या करना है, ठीक है फ्रेंड। इसे करते हैं हम बैक, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार से आपको अकाउंट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, यहाँ पे आपके शो कर जाएगा। जैसे कि मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड देख ले इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका जो है ऐड हो जाएगा, जैसे कि मेरे अकाउंट ऐड हो रखे हैं, ठीक है फ्रेंड, ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, किसी भी के भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो उसका नाम शो करेगा, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए पे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पे बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे शो कर रहा है पे ऑन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड प्रोसेस कर देंगे तो ये पेमेंट आप उसके अकाउंट में चली जाएगी, जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप क्रेड ऐप के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
ये तरीका था क्रेडिट से डायरेक्ट बैंक के अंदर पैसा ट्रांस। तो फ्रेंड देखा आपने, इतनी आसानी से आप नॉर्मली किसी के बैंक में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस लगती है, उसके अलावा कुछ भी चार्ज नहीं लगता और आसान तरीके से आप नॉर्मली बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई है। पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर दें। जिसको भी प्रॉब्लम आती है अपने क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करने में, तो इस प्रकार से चेक करके वो कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। वंदे मातरम।